दोस्तों दिमाग को कर लीजिए बिल्कुल टेंशन फ्री और आपके लिए पेश है ट्रांसलेशन बनेगा हलवा का सीरीज थ्री। दोस्तों सेंटेंसेस देखिए बड़े लाजवाब सब लिए हैं। तुम मेरी हो मैं तेरा हूँ, आपने गाना भी इस टाइप का सुना होगा, तुम मेरे हो मेरे ही रहना। आपने ऐसे भी गाने सुनोगे, हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम। तो इस तरह के सेंटेंस से आप भी अब बनाने सीखेंगे, लेकिन इस बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले बेसिक बेसिक सेंटेंस को सीख लेते हैं, आगे इस तरह के वीडियोस भी हम कोशिश करेंगे लाने का। इसको आप देखिए ध्यान से। अब ये तो जानते हैं, तुम्हारा का योर, हमारा का आर, आर होता है आपका, मेरा का माई होता है, ये सारे इंग्लिश आप जानते हैं दोस्तों। इन सबको माई योर हीज हर, ये सब जो आप जानते हैं इसको पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। और इसका एक लक्षण है, इसका एक अपना नेचर है, क्या है कि ये अकेला कभी नहीं आएगा। माई हिज हर जब भी आएगा अपने बाद एक नाउन लेके आएगा, जैसे माई फादर, योर ब्रदर, योर सिस्टर, योर गर्लफ्रेंड, माई बॉयफ्रेंड, इस तरह कोई ना कोई नाउन रहेगा। माई नेचर, योर हैबिट, यानी मेरा मेरा नाना, मेरी चाची, मेरी ताई, मेरी बुआ, मेरी भौजी, इस तरह कुछ ना कुछ, तुम्हारा ससुर, कुछ ना कुछ नाउन उसमें होगा, तभी आप माई हिज हर सब का इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम पजेसिव एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। मगर आज पजेसिव एडजेक्टिव अप्लाई नहीं होने वाला है, क्योंकि सेंटेंस को गौर कीजिए। तुम मेरी हो, मेरी बात कोई नाउन है? मेरी नानी, मेरी चाची, मेरी बुआ, कुछ है? नहीं है। मैं तेरा हूँ, तेरा बात कोई नाउन है? तेरा भाई, तेरा ससुर, तेरा भैंसुर, इस तरह कुछ है? राधा हमारी है, देख रहे हैं, हमारी बात कुछ है? हमारी बहनें, हमारी सभ्यताएं, इस तरह कुछ भी नाउन अगर नहीं है तो भाई माई हिज हर जिसको पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं अप्लाई नहीं होगा। इन सबको आप सप्लाई करके गटर में डाल दीजिए और दिमाग को यहाँ लाइए कि इसके बाद कोई नाउन नहीं है, नहीं मेरी नानी, मेरी चाची, मेरी ताई, मेरी बुआ, मेरा पति, इस तरह कुछ भी नाउन नहीं है। तो इसको यहाँ पर हम पजेसिव एडजेक्टिव ना लगा के पजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे, और जो माई हिज हर आप सब पढ़ रहे थे वो थोड़ा बदल जाता है। तो माई हिज हर योर अभी हमने क्या कहा, पजेसिव एडजेक्टिव था जो नाउन के बगैर नहीं आता है दोस्तों। आज पजेसिव प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे जो नाउन के बगैर आता है, यानी कि अकेला आता है। ये बाहुबली है, ठीक है? तो अकेला आता है तो कुछ इसमें अलग पावर भी होगा ना, तो आपको याद रखना है माई हिज हर जितना भी सब पजेसिव एडजेक्टिव है उसको पजेसिव प्रोनाउन में चेंज करने के कुछ थोड़े थोड़े सिस्टम है, जान लीजिए। एक तो माई का माइन हो जाता है, हिज का हिज ही रह जाता है, और इट्स मैंने इसका उसकी जो आप पढ़ते हो तो इट्स का होता ही नहीं है। माई का माई मीनिंग वही है, मेरा तेरा उसका उसकी, मीनिंग चेंज नहीं है, बस फॉर्म थोड़ा सा आपको याद रखना है। माई माई हिज हर योर सब पजेसिव एडजेक्टिव है, इसको प्रोनाउन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, माई का माइन हो जाता है, हिज का होता ही नहीं है, और इट्स का, सॉरी, हिज का हिज ही रह जाता है लेकिन इट्स का होता ही नहीं है। माई का माइन, इट्स का होता ही नहीं है, हिज का हिज ही रह जाता है। तीन बार याद रहेगा, माई का माइन, हिज का हिज ही रह जाता है, और इट्स का होता ही नहीं है। बाकी में दोस्तों बड़ा आसान है, खाली आप एस लगा दो और एस करो। आप एग्जांपल देखो, सेकंड नंबर में आई एम योर्स, योर में क्या किया है, एस लगाया। थर्ड भी देखो, राधा इज आर्स, आर में क्या किया है, एस लगाया है। बस पजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करने के लिए कोई विशेष टेंशन नहीं, खाली माई का माइन, हिज का हिज ही रह जाता है, इट्स का होता ही नहीं है, बाकी सब में एस लगा के आप एस कर लीजिए। तो पजेसिव प्रोनाउन का यूज कब करेंगे, जब मेरी नानी, मेरी चाची, मेरी बुआ, मेरी ताई, इस टाइप का नहीं रहेगा। अकेला बाहुबली मेरी में ही खत्म हो गया, तेरा में ही खत्म हो गया, हमारी में ही खत्म हो गया, तो प्रोनाउन लगाएंगे। तो याद हो चुका है प्रोनाउन आपको, माई का माइन हो जाता है, हीज का हीज ही रह जाता है, इट्स का होता ही नहीं, बाकी सब में है एस। तो दिमाग को मत की ज्यादा क्रैश। और देखिए, तुम मेरी हो तो यू आर माइन, अब यहाँ यू आर माई लिखने गलती नहीं करेंगे। माई कब करेंगे, जब मेरी नानी, मेरी चाची, मेरी बुआ, इस टाइप का रहेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, आप देख जाइए, तुम मेरी हो, यू आर माइन, उस तरह मैं तेरा हूँ दोस्तों, आई एम योर्स, आई एम योर लिखने गलती नहीं करेंगे। ना ना ना, राधा हमारी है तो राधा इज आर नहीं लिखेंगे, राधा इज आर्स करेंगे। क्लियर, एस लगा देना है। और भी कोई सेंटेंस है दोस्तों, लाजवाब देख लीजिए। हम लोग उन लोगों के हैं, उन लोगों के आप देयर जानते हो, मगर यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव चलेगा नहीं, पॉजिटिव प्रोनाउन यानी बाहुबली वाला चलेगा, अकेला वाला, एस लगाना हमको। तो वी आर देयर्स, क्लियर। अब एक थोड़ा सा हटके, दोस्तों जरा हटके, थोड़ा माइंड को भी यहाँ पर लाइए। सीता उसकी है, अब सीता उसकी है तो लिखा है सीता इज हर्स या हीज,
हम जानते हैं हिज का हिज ही होता है पैसिव प्रोनाउन, बाहुबली वाला चल रहा अकेला वाला, इसके बाद कोई नानी चाची बुआ कोई है नहीं, याद रहे आपको। तो सीता उसकी है, तो सीता इज हर्स भी लिखा, सीता इज हिज भी लिखा, ये क्या प्रॉब्लम है भाई? प्रॉब्लम ये है, हर का यूज हम फीमेल के लिए करते हैं, नहीं लड़की है कोई लेडीज है उसके लिए। हिज का यूज मेल के लिए करते हैं, नहीं पुरुष के लिए करते हैं, कोई लड़का रहे कोई मन आदमी रहे आपका, फीमेल नहीं चलना चाहिए यहाँ पर, क्या सारे मेल वाला। तो मेल में हम ही लेते हैं तो ही से हीज बनता है, और फीमेल में हम सी लेते हैं तो सी से हर बनता है। तो ये आपको ध्यान में है। तो हर का यूज किस में करेंगे हम? फीमेल के लिए, और हीज का यूज किस में करेंगे हम? मेल के लिए। मगर यहाँ पर सीता जिसकी है ना, यानी सीता का रिश्ता जिससे जोड़ रही है, rishta.com चल रहा है ना दोस्तों, तो सीता उसकी है, तो सीता जिसकी है हमें पता नहीं ना कि सीता किसकी है, लड़का का है कि लड़की का है। अगर राम यहाँ बगल में खड़ा है कोई तो क्या बोलेंगे? सीता उसकी है। अगर कोई गीता नाम की लड़की बगल में खड़ी है तो ही बोलेंगे सीता उसकी है, ठीक है? तो इस तरह से उसका उसकी देखकर क्लियर नहीं होता है कि हम हर लगाएं कि हिज लगाएं। अगर इस तरह सेंटेंस में आपका लिखा रहे कि राम एक अच्छा लड़का है सीता उसकी है, तब तो क्लियर है कि सीता का रिलेशन राम से हो रहा है, तब बोलेंगे राम इज ए गुड बॉय सीता इज हिज, हिज लड़का के लिए होता है मेल के लिए। लेकिन गीता नाम की लड़की खड़ी बोल रहे हैं गीता इज ए गुड गर्ल और सीता उसकी है, तो सीता इज हर्ष चलेगा। मगर एक सेंटेंस सिर्फ दिया है दोस्तों कि सीता उसकी है, तो पता नहीं है ना कि लड़का से कि लड़की से रिलेशन जोड़ रहे हैं, जो मालूम नहीं है तो फिर आपको सीता इज हर्ष हिज दोनों कर सकते हैं, ठीक है? खाली ये कॉन्सेप्ट माइंड में मत सेट रख लीजिए कि उसकी है तो हर लगा देंगे, उसका है तो हिज लगा देंगे, ना 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 ऐसा ना करना। अब क्या है, तुम सिर्फ मेरे हो, थोड़ा सा सेंटेंस को प्रेशर दे रहे हैं, तुम मेरे हो तो यू आर माइन, हम सीख चुके यू आर माई लिखने भूल नहीं कीजिएगा, बार बार कह रहा हूँ। ये माई हिज हर जितना आप जानते थे उसको ताखा में रख दीजिए। ये पजेसिव प्रोनाउन बाहुबली वाला चल रहा है अकेला वाला, मेरी नानी मेरी चाची मेरी बुआ, तब इस तरह का रहेगा तभी आप माई हिज हर का यूज करेंगे। लेकिन यहाँ सब पजेसिव प्रोनाउन चल रहा है, माई से माइन बन गया, हिज का हिज ही रह गया, इट का इट्स का होता ही नहीं है, बाकी सब में एस लगा के काम कर रहे हैं। तो हर से हर्ष बना है, हिज का हिज ही है, इसलिए सीधा हिज हर्ष या हिज दिया है। लास्ट देख लीजिए, तुम सिर्फ मेरे हो, सिर्फ के लिए खाली ऑनली लगा देना है, तुम सिर्फ मेरे हो, यू आर ओनली माइन, सिर्फ मैं सिर्फ तेरा हूँ, क्या हो जाएगा? आई एम ओनली योर्स। दिमाग पर मत डालिएगा फोर्स, और आप कमेंट में एक सेंटेंस जरूर बताइए बनाइएगा कि वे लोग हमारे हैं, वे लोग हमारे हैं, इसका ट्रांसलेशन क्या दोस्तों? कमेंट में जरूर बताइएगा, देखेंगे आपका भी कमाल आपका भी जलवा हमको देखना है। और वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिए दोस्तों। ओके दोस्तों, बाय बाय।